राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी बनाएगी सरकार। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इन्होंने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों को बताएं और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही आज हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक हलचलें चल रही हैं, उस संदर्भ में आपको बता दें बहुजन समाज आने वाले 2023 में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो राजस्थान के अंदर बड़ी मजबूती के साथ और ताकत के साथ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 MLA रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने के बावजूद भी कांग्रेस ने वो 6 के 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से तोड़ दिया। इस संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जो कांग्रेस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, उसके बारे में भी आपको मालूम होगा। आपको बता दें कि अभी भी दल बदल कानून का केस जो है वो राजस्थान के अंदर जारी है, चल रहा है। वही बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए यह कहा है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बैलेंस ऑफ पावर में आकर सरकार बनाएंगी। ऐसा ऐलान उन्होंने किया है और सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और शुभचिंतकों को ऐसा विश्वास दिलाया है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर बड़ी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।